हरी। आ राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, सुख आगे बढ़ता जा रहा है, आगे सुख खिसकता जा रहा है, दूसरे के आप के देखा देखे दूसरा सुखी है, लेकिन उससे पूछो तो उससे सुखी बहुत सुखी नहीं। अरे गरीब कहे है अमीर सुखी, अमीर कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख सदगुरु को भारी, भाई नहीं भारी। आ सदगुरु कहे संतोष ही सुख है, बिना संतोष है दुनिया दुखारी। देखिए आत्माएं जहाँ है जितना क्या है वह बहुत है, क्या करके जियोगे तो तुरंत सुखी हो जाओगे और नहीं संसार के सुख में पड़ोगे, क्या संसार किसी को सुख नहीं दिया। अच्छा आप लोगों को मालूम है कि गांव में पहले बेगारी होती थी, बेगारी 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 गांव में पहले बेगारी होती थी, लोग पकड़ कर लाते थे, उससे काम करवाते थे, पूरा दिन पूरा रात पूरा घंटा कुछ भी, लेकिन उसके बदले कुछ देते उसके बदले कुछ देते यह अंग्रेजों से भी कड़ी हुकूमत थी, गुलामी की जंजीर का इतनी कड़ी हुकूमत थी, लेकिन बेगारी में कुछ मिलता नहीं। बेगारी समझे नहीं समझे, बेगारी समझ गए, बेगारी में कुछ मिलता नहीं है। और हम आपसे पूछेंगे यह दुनिया क्या की है, बेगारी कराई है आपसे, जब से जन्म लिए हैं कुछ दी है, पाप दी है, दुख दी है, विपत्ति दी है, शासक दी है, दुर्गत दी है, यहाँ तक कि जगत में अपराध करने को भी मजबूर कर दी है, बेईमानी भी करा दी है, दुनिया ही कराई है, संसार ही कराया है। सदगुरु और सच्चे दरबार में ये भावनाएं नहीं होती, तुझे आतंकवादी बना दिया, बंदा पहले उग्रवादी बना दिया, दूसरे को सताने वाला राक्षस बना दिया, दूसरे को पीड़ा देने वाला पापी बना दिया, दूसरे को आंख में आंसू लाने वाला तो दांत व्यक्ति बना दिया। याद रखे यदि मेरी वाणी से मेरे जन्म देने वाली मां को दुख होता है तो उस समय हम ही उसकी पीड़ा देने वाला पीड़ा तक पापी है। हमारे वाणी से यदि बहू को दुख होता है तो उस हालात में हम सासू माया ससुर जी भले हैं लेकिन पीड़ा देने वाले रिश्ता उसका है। यदि बच्चे को हम बिना वजह कष्ट दे रहे हैं वो भी पीड़ा दे रहे हैं, उसके आंख में आंसू है वो भी पीड़ा तक पापी है। अरे यह छोटे छोटे पाप नहीं है, यही इकट्ठा होकर इतने बड़े हो जाते हैं। जिन आत्माएं जिस खोज में आप निकले हैं, जिस खोज में आपको धरती पर भेजा गया है, जिसके लिए आप मनुष्य जन्म पाए हैं, जिसके लिए सदगुरु बनाए हैं, यदि आप सचेत नहीं होंगे पूरा जीवन बिगाड़ी करते 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 चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे नहीं मालूम, कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, क्या खाएंगे नहीं मालूम, कब फिर आएंगे नहीं मालूम, कैसे जाएंगे नहीं मालूम, किस लोक में जाएंगे नहीं मालूम, है मालूम क्या नहीं नहीं। इतना अनजान जीवन का सफर आप यही समय जानने का है, आई समय जानने के बजाय हम क्या जानते हैं, देखते हैं लोग मिलते हैं तो लोग जय माता दूसरा लहा जो है जय माता जय माता, ये नहीं पूछेगा कि ठीक है गुरु जी से दीक्षा तुम भी लिए हो, गुरु जी से दीक्षा हम लिए हैं, ये बताओ सुबह और शाम कितना देर तक ध्यान भजन कुछ करते हो, नहीं पूछेगा। बहुत है तो शिकायत कर देगा, ये गुरु जी है ना जानते नहीं, धनवान वाले का समझे, पैसा जो चढ़ाता है उसका सुन, शिकायत शुरू कर देंगे। कुछ आत्माएं थोड़ी आत्माएं देखिए
यहाँ सचेतना के लिए मैं कह रहा हूँ, वह जो सन्यासी थे वह जान बुझ कर वहां देते थे इस रास्ता से उस राजा का रथ कर। इस जमाने में मोटर कार आज इत्यादि है, उस समय में यह मोटर वगैरह नहीं थे, ये कार या बोलेरो स्कॉर्पियो जितना फॉर्चूनर आदि इत्यादि तमाम गाड़ियां कुछ भी नहीं थी, और पैदल रथ घोड़ा हाथी यही प्रयोग होता था रास्ते। जब वो भगवान के पास सिपाही गए और गए रास्ते से, तो राजा का रथ था, फक्कड़ सोए सोए बोले कौन राजा है, ये कहीं तो राजा है, ये कहीं राजा है, ये कहीं राजा है, कौन राजा है आप बताएंगे। एक भजन हम गाते हैं, सबसे बड़ा राजा कौन है, अरे जिक्र कर चल बाटे धरती गगनवा हो, जिक्र कर चल बाटे धरती गगनवा हो, जिक्र कर चल बाटे धरती गगनवा हो, पर्वतवा सागर सूरज चंद्र सब सतगुरु चरणन में भल को तयावा, सतगुरु महिमा जग में बड़ी भारी, सतगुरु महाराज फकीर ने कहा कि संसार में एक ही धनवान है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं, और एक ही अफरोश चापलूसी और चर्चा कीरी करने वाले जाकर राजा से बोल दे बादशाह है तुम्हें भी सहनशाह नहीं है तुम्हें वाला, सेना वाणी में थोड़ी जोर थी शक्ति थी, सेना वापस आई, आई महाराज रथ कैसे जाएगा, बीच बीच में फकीर पड़ा, आप फकीर पड़ा हटाने पड़ते थे, कहा महाराज कैसे हटाए, इतना विशाल है कि चार चार लोगों को छटक दे रहा है, कोई दाएं गिरता है कोई बाएं गिरता है, तो फिर क्या करते हो, फिर क्या कर रहे हो, कहा महाराज फकीर बोल रहा मैं बादशाह हूं, अरे मैं शहंशाह हूं, और जब मैं बोला राजा आ रहे हैं बोला मैं महाराजा हूं, एक ने बोला मैं कहा कि हमारे राजा सारे देश को जीत चुके हैं केवल एक देश बचा है, एक देश बचा है वही देश जीत लेंगे तो चक्रवर्ती हो जाए, वो बोला कि तुम्हारे राजा अभी जीतेंगे तो चक्रवर्ती हैं हम अभी ये चक्रवर्ती, सम्राट कहा कि किसके हिम्मत मेरे बात का जवाब दे रहा है, चल
अभिमान थोड़ा कुछ कम हो।